भोपाल में दीपिका पादुकोण को लेकर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव द्वारा दिए गए विवादित बयान ने अब तूल पकड़ लिया है। बयान के बाद सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने भोपाल में भाजपा व प्रतिपक्ष नेता गोपाल भार्गव के बंगले का घेराव किया। प्रदर्शन करते हुए महिलाओं ने भार्गव से मांग की है कि वे अपने विवादित बयान को लेकर माफी मांगे। कांग्रेस के प्रदर्शन के चलते नेता प्रतिपक्ष के बंगले पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। भोपाल से स्टेट हेड अमर वर्मा की रिपोर्ट। इनको तो अपना डांस करना चाहिए बॉम्बे में बैठ के, वहां पे जीएनयू में क्यों जाना चाहिए उसको, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार के दर्जनों लोग हो गए हैं जो एक्टिविस्ट कहलाते हैं, आर्टिस्ट कहलाते हैं, जो भी हैं, वो ऐसी जगह जाके जहाँ सिर्फ पढ़ना एक ही ध्येय होना चाहिए लोगों का, राजनीति करना है तो राजनीति में आओ, चुनाव लड़ो, और चुनाव लड़े भी हैं लोग, पता चला है कहाँ तीसरे नंबर रहे। कांग्रेस का ये कहना पड़ता है से चुनाव लड़े तीसरे नंबर रहे, तो मैं कहना चाहता हूँ कि भाई ऐसी राजनीति तो जब परिसर में करोगे तो ठीक है, परिसर के बाहर आओगे तो फिर पता चल जाएगा कि हमारी हैसियत कितनी। इसलिए ये सब काम जो है पढ़ाई लिखाई का परिसर के अंदर होना चाहिए। देखिए जिस तरह से गोपाल भार्गव जी ने कई महिलाओं के प्रति टिप्पणी करी, दीपिका पादुकोण जी के प्रति भी टिप्पणी करी, और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, शर्म आनी चाहिए उनको। एक ऐसे संवेदनशील पद पे है वो, और महिलाओं के प्रति ऐसी भाषा बोलते हैं तो वो उनको शोभा नहीं देता है। माननीय प्रधानमंत्री से भी मैं बोलना चाहूँगी आपके माध्यम से कि आप अपने नेता प्रतिपक्ष जी की जबान पर लगाम लगाइए, अन्यथा आने वाले समय में ये जनता ऐसी लगाम लगाएगी कि मुंह ही नहीं खोल पाएंगे। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।